प्यारा भुकभुकिया भुकभुकिया चश्मा। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और अभी मैं हूँ थाईलैंड के खूबसूरत शहर बैंकॉक में, और अभी मैं जा रहा हूँ शूट पे। मेरा अभी कंटिन्यू शूट चल रहा है, तो जिसके कारण मैं रेगुलर ब्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ, उसके लिए सो सॉरी गाइस, क्योंकि वहाँ परमिशन नहीं रहता है। आज जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे सुने हैं परमिशन है, तो वहाँ ब्लॉग करेंगे, वहाँ का जो है वो चीज़ दिखाएंगे। अभी स्टॉपेज पे जाएंगे, वहाँ से फिर हम लोग का बस है, बस से हम लोग को लोकेशन पे जाने में 2 घंटा लगेगा। तो वहाँ हम लोग पहुँचते हैं, तो वहाँ का फिर जैसा होता है वो चीज़ आप लोग के साथ में शेयर करेंगे। तो चलिए बने रहे वीडियो में, और आज का वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो चलिए चलते हैं। आए हुए हैं 7-Eleven में, देखते हैं कुछ खाने के लिए लाइट लेंगे, नूडल लेंगे। ये है, ये कोरियन नूडल है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये लेते हैं तो फिर आप लोग से फिर बात करते हैं, बनाते हैं तो फिर बात करते हैं। प्रोडक्ट्स में मशरूम वगैरह जो रहता है वो सारा कुछ मतलब कि ड्राई रहता है, इसमें सूखा हुआ एकदम गर्म पानी डालने में एकदम फ्रेश हो जाता है। ये है मसाला, मसाला डालो मारो दम टकाटा। ये हो गया नूडल तैयार, अब इसको यहाँ डालेंगे, इसमें गर्म पानी डालेंगे, फिर आप लोग से बात करते हैं गर्म पानी डालने के बाद में। ये लोकेशन पे पहुंच गए हैं, यहाँ से पिकअप होगा, हम लोग का वैन आएगा, यहाँ से हम लोग वैन नहीं बस आएगा, बस में बैठ के यहाँ से जाएंगे हम लोग। तो चलते हैं, सबसे मिलते हैं, फिर आप लोग से फिर बात करते हैं, फिर जैसा होता है वैसा शेयर करते हैं। फाइनली बस में बैठ गए हैं, जो पगला बस है, यहाँ से आराम से बैठ के आराम से जाएंगे, नज़ारा देखेंगे, यहाँ ये नज़ारा है, नज़ारा देखेंगे और जाएंगे, आप लोग को नज़ारा दिखाएंगे। एक बस दिखाते हैं, सारे मॉडल्स आ गए, सारे मॉडल्स से उसमें बैठ गए हैं, तो अभी आपको बस का नज़ारा थोड़ा दिखाते हैं। पहुंच गए फाइनल लोकेशन पे हम लोग, यहाँ पे यही बस है, इसी बस में आए हुए थे। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, थोड़ा रिफ्रेशमेंट वगैरह होते हैं,
उसके बाद में यहाँ पे जो फ्लोटिंग मार्केट में हम लोग का जो शूट होगा, थाईलैंड में फ्लोटिंग मार्केट क्या होता है, यहाँ का माहौल कैसा होता है, वो चीज़ आज के ब्लॉग में आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में और आपको मार्केट का नज़ारा दिखाते हैं। चलिए पे आए हुए हैं यहाँ पे मार्केट के बीच में हम लोग हैं यहाँ पे। तो ये पीछे में देखिए मेरे मार्केट है, ये फ्लोटिंग मार्केट है, ये फ्लोटिंग इसमें बोट है। तो ये बोट है, बोट पे यहाँ पे बोट पे टूरिस्ट लोग भी घूम रहे हैं। प्लस यहाँ पे देखिएगा कि बोट पे ही साग सब्जी वगैरह पूरा अच्छे से सजा सजा कर लोग यहाँ बेचते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही यूनिक लगता है फ्लोटिंग मार्केट का। तो यहाँ पे कभी भी आइएगा तो एक बार घूमिए यहाँ पे, हम पुआ फ्लोटिंग मार्केट है ये। और यहाँ आफ्टरनून में उतना क्राउड नहीं होता है, क्राउड होता है तो नाइट में होता है। अभी आफ्टरनून में ये देखिए भरा हुआ नहीं है, हल्का कम है, लोग आना स्टार्ट कर रहे हैं। शाम को 5 या 6 बजे से लोग आना स्टार्ट यहाँ करते हैं। तो यहाँ पे एक बार आके इन्जॉय कर सकते हैं फ्लोटिंग मार्केट का। और जो टूर करने वाला जो बोट है ना, यहाँ सस्ता है, 50-60 बाट लेता है लोग, 50-60 बाट। और बाय क्लॉन्ग एंड क्लॉन्ग बोलते हैं इसको, पलाट को, पानी जो है ना इसको क्लॉन्ग बोलते हैं। तो इसमें बैठा के बोट पे आपको 5 मंदिर है इसमें, यहाँ पे कनेक्टेड है इस कैनल से। तो ये मंदिर पे आपको 5 जगह घुमाएंगे 50-60 बाट में, तो बहुत ही चीप है। तो यहाँ एक बार आइए, एंजॉय कीजिए, आपको यही बोलेंगे। और बाकी सब नज़ारा देखे हैं तो मेरे को बताइए आपको नज़ारा कैसा लगा है। अभी हम लोग का शॉट बाकी है, पीछे हमारे मॉडल्स लोग दोस्त लोग यहाँ खड़े हैं। तो और एक चीज़ आप लोग को बता दें, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए ब्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को। तो अब वीडियो सब देखिए, तब तक हम अपना शॉर्ट देके आते हैं, फिर आप लोग से बात करते हैं। तब तक एंजॉय कीजिए आप लोग। फ्लोटिंग मार्केट्स जो है ना, ये मतलब कि पूरा वर्ल्ड फेमस है। तो वर्ल्ड में पूरा फेमस है, पूरे दुनिया से लोग आते हैं थाईलैंड का फ्लोटिंग मार्केट देखने। तो यहाँ पे आने के बाद में एक्सपीरियंस जो होता है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो एक अजीब यूनिक स्टाइल से यहाँ पे एक मार्केट में मतलब कि बनाया गया मार्केट, बोट पे बैठ के आदमी लोग मार्केटिंग करते हैं। तो यहाँ पे आइए आप लोग तो एक बार एक्सपीरियंस कीजिए और बताइए। बहुत ही चीप है, ये भी नहीं कि महंगा है यहाँ पे बोट पे घूमना फ्लोटिंग मार्केट में। एक बार आइए यहाँ पे एंजॉय कीजिए। ये बोट ये ड्रोन उड़ रहा है, ड्रोन उड़ रहा है, ड्रोन वाला शॉट होगा अभी। तो चलिए शॉट देते हैं, तब तक फिर आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर। आज जो शूट हो रहा है ये कमर्शियल है, यहाँ आज जो मॉडल आए हैं लोग यहाँ पे, मॉडल ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है 100 मॉडल्स आए हुए यहाँ पे। हम लोग दो बस भर के मॉडल आए थे आज। और गर्मी इतना है कि क्या बोले, बहुत गर्मी लगा था जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे खाने के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, गर्मी बहुत था। 2-3 लीटर तो पानी हम पी रहे हैं, पानी पीना भी सही है सेहत के लिए। तो अभी यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे ठंड एकदम, हवा चल रहा, मज़ा आ रहा, हवा शॉट भी चल रहा हम लोग का, हवा भी लग रहा है तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। फ्लोटिंग मार्केट ये सब मतलब कि एडवेंचर जगह हो जाए, यूनिक जगह पे वो मतलब कि शूट करके इतना मज़ा आता है, क्या बोले, जवाब नहीं है, शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि क्या बोले आप लोगों को। ये देखिए बोट जा रहा है, ये बोट जा रहा है देखिए। तो ये है एक्सपीरियंस, मज़ा ही मज़ा है। मिलते थोड़ी देर में आपसे, शॉर्ट दे। और एक चीज़ यहाँ का यूनिक देखे हैं, जैसे कि बोट पे खाना पीना सारा कुछ बिक रहा है, यहाँ पे स्नैक्स वगैरह फूड वगैरह पूरा मिल रहे हैं। और जो लोग बोट पे बैठ के टूर कर रहे हैं, टूरिस्ट जो लोग हैं वो लोग टूर कर रहे हैं, तो वो लोग हॉल्ट हो रहा है मतलब कि रुक रहे हैं, बड़ा बोट जो है वो रुकता है
और जो छोटे बोट पे जो खाना पीना जो बिक रहा है वो रोक के वो लोग मतलब खरीद रहे हैं, खरीद के खा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब कि अलग एक्सपीरियंस होता है बोट पे बैठ के, और बोट पे खाना बिक रहा है यहाँ पे, तो खरीद के खाना एक अलग एक्सपीरियंस हो रहा है, एक मज़ा। अभी हम लोग का ये शॉट होगा, एक नाइट शूट तक चलेगा ये, मतलब ख़त्म होगा रात 1 बज जाएगा, फिर घर पहुँचे पहुँचे मेरे को 3 बजेगा मेरे को 3:30। फिर मतलब कि ये मार्केट जो है बहुत बड़ा है, और ये सुबह खुलता है 9 बजे, 9 से 11 बजे तक खुलता है। ये बैंकॉक से 90 किलो नहीं, ये बैंकॉक से साउथ ईस्ट साइड में पड़ता है, ये शायद 90 किलोमीटर दूर है ये बैंकॉक से। तो अभी हम लोग का नाइट शूट है, घर पहुँचते मेरे को 3 बज जाएगा, 3:30 बज जाएगा, 4, फिर इसके बाद 6 बजे फिर जाना था इसे इसका शूट, वहाँ जाना है मेरे को रेस्ट हो गया। कंटिन्यू शूट अभी चल रहा है थैंक्स टू टॉप। तो चलिए बने रहे वीडियो में, मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। अभी मतलब कि सनसेट हो गया, सनसेट का व्यूज बहुत ही सुंदर है, आपको दिखाएंगे, आपको देखिएगा बहुत ही सुंदर व्यूज आ रहा है सनसेट का। धारण हुआ है पब वाला, चश्मा लाए ये गर्दन में ये बाला, अभी पब वाला शूट होगा तो ये देखिए, और सारा ब्लॉग देखे हैं तो बताइए। अभी ये शॉट ख़त्म करके हम लोग घर जाएंगे, तो नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए यार, सपोर्ट कीजिए थोड़ा। चश्मा लगाए हैं एकदम, भुक भुकिया चश्मा लगा तो शूट हो रहा है अभी, तो ये सब सेम है, मज़ा आ रहा है पब लाइफ। तो चलिए इसी के साथ में पूरा वीडियोज़ देखें तो मेरे को कमेंट में बताइए आप लोग को वीडियोज़ कैसा लगा अभी। तो इसी के साथ में वीडियो सब खत्म करते हैं, तो आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों को पता है क्या, अपना ध्यान रखिए और स्टे रेसी।